दोनों हाथ जोड़ के भगवान का मंगल स्मरण करेंगे। वंदित सद सिद्धि ध्रुव अचल मनोगम गति पते पहुंचामी समय पाह मणिमो सिद्ध केवली गणिगम। सर्पाधि राजा कंठारी तो यही ध्यान स्थित से प्रणाम विपाने शुभ शरण निवर्तय ब्रह्म विपाशम मैदाधरे। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देव आदिनाथ भगवान की वर्तमान जिन शासन है वर्तमान महावीर भगवान की आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की चक्रवर्ती जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की बोलिए आचार्य संगीत जी जयकारा गुरुदेव का। अपने हाल से ही बेहाल क्यों है? पानी चालू हो गए पानी चालू हो गई तो पानी भी चालू हो गया। अपने हाल से ही बेहाल क्यों है? किसी और के लिए ये हाल क्यों है? अपनी सूरत पर ध्यान दो कभी। अपने हाल से ही बेहाल क्यों है? खुद अपने हाल से बेहाल हो रहा और किसी और के लिए ये हाल क्यों है? समझे नहीं, समझने की कोशिश करिए। अपने हाल से लोग बेहाल हैं, अपने स्वरूप से अपने ज्ञान से बेखबर है, लेकिन ज्ञानी किसी और के मोह में बहुत परेशान है। खुद दुखी हो जाएंगे, खुद लंगड़े लुड़े हो जाएंगे, खुद परेशान हो जाएंगे, खुद के लिए नहीं किसी और के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी और वस्तु के लिए, किसी और व्यक्ति के लिए। चाह रहा है अपना सुख, लेकिन दुखी हो रहा है साधनों के पीछे। वास्तव में उन साधनों के पीछे इसलिए दुखी हो रहा है क्योंकि उसने ये समझ रखा है कि ये साधन मिलेंगे तो सुखी होऊंगा, और वो साधन नहीं मिलते हैं तो अपना हाल भी बेहाल और किसी और के लिए ये हाल। ऐसा हाल हो जाता है कि लोग पूछते हैं क्या हुआ है, ये रो क्यों रहे, ये परेशान क्यों है, शांति से क्यों नहीं बैठते हैं, ठीक से भोजन क्यों नहीं करते,
हो शेर आ गया क्या? सेना आई है जो होगी, हमको भी मालूम पड़ता है कि लोग नहीं आ रहे ज्यादा तो अपन चल रहे हैं। और व्यवस्था भी तो एवन है, जैसे वहां श्रावकों के लिए टेबल सजाए हुए हैं, चूहों के लिए भी सजाए हुए हैं। क्या बोलते हैं? पूरी सेना तो आएगी। बताइए आप जो ऐसे डर गए, एक श्रावक ने बहुत तपस्या की और एक दिन देवता प्रकट हो गए। उसने कहा कि बहुत परेशान हूं, इससे परेशान रहते हैं लोग अक्सर, कर जिससे मोह करते हैं उसी से परेशान रहते हैं, जिससे ज्यादा जितना ज्यादा लगाव लाड़ होगा उतना ज्यादा उसके पीछे क्लेश खड़ा होगा। देवता ने कहा कि बहुत परेशान हूं इससे परेशान। तो देवता ने कहा कि तुम ये बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, मैं तुम्हें शेर बना देता हूं। उसने कहा शेर बनाने से कोई फायदा नहीं, शेर से नहीं डरते, तो मैं तुम्हें जो है बहुत शक्तिशाली और ज्यादा पावरफुल इंसान बना देता हूं। उसने कहा उससे भी कोई फायदा नहीं, जब मैं दुबला पतला था तब भी डरता था, खापी के मोटा हो गया तो भी डरता ही, और हो जाऊंगा पावरफुल तो भी। अच्छा तू ही बता मैं क्या करूं। उसने कहा कि प्रभु आप तो मुझे चूहा बना दो, ये किसी और से नहीं डरती है, ये सिर्फ छिपकली से कॉकरोच से चूहे से डरते हैं। भाई चूहे से क्या करना बताइए, जो चूहे से डर जाएगा और शेर के आने पर क्या करेगा? शेर से नहीं डरेगा, आप नहीं कर रही ना, भाई सबके भीतर है और जिसको जितना मोह है उसको उतना भय है। आप उससे डर गए और वो आपसे डर गए। एक प्रसंग सुनाते हैं, स्कूल पढ़ने के लिए अपने छोटे गांव से बड़े गांव जाना पड़ता था और बीच में जंगल पड़ता था। एक बार किसी कारण बस और देर हो गई और देखा कि जंगल में वहां बाघ भी रहते थे, शेर भी रहते थे और अंदर अभी भी हैं कई प्रजाति के जानवर। तो जैसे ही वापस आ रहे थे और उतार घाटियां होती हैं जंगल में, तो उतार चढ़ाव होते हैं, कच्ची सड़क कच्चा रोड और उतार चढ़ाव। तो उतार पर जैसे साइकिल आई तो देखा कि सामने तो जो है शेर जो है वो इधर से उधर रोड क्रॉस कर रहा है। शेर को देख करके अच्छे अच्छे सूरमाओं का जो बोलते हैं अच्छे अच्छे भयभीत हो जाते हैं। अब साइकिल तो उतर गई, ब्रेक भी नहीं लगे, मस्ती में घर जाना है, फास्ट जाना है, अंधेरा होने वाला है, तो उतार भी है और पेडल भी मार रहे, इतने में शेर भी दिख गया। अब ब्रेक भी लगाना मुश्किल है, अब क्या करें?
और घबराहट के मारे ना ब्रेक समझ में आया ना, और ये हुआ कि जहां से था साइकिल सीधी जाके वहीं पर धड़ाम से और गिर पड़ी, टकरा गई पत्थरों से। और बताइए फिर क्या हुआ, इतनी भारी हड़बड़ाहट, इतनी भारी आवाज, इतनी फास्ट स्पीड, इससे शेर भी घबरा गया। और उसने सोचा कि पता नहीं और कौन सा जानवर आ गया, तो वो साइकिल से डर के भागा, और साइकिल वाला वापस साइकिल उठा के शेर के डर के भागा, वो भी भागा, ये भी भागा, तुम भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। जिसको जितना मोह होता है उसको उतना भय होता है। हम सोचते हैं कि इंसान ही भयभीत होते हैं, जानवर भी बहुत भयभीत होते हैं, उसमें उनको भी अपने देह का मोह है। यानी मुनिराज है निर्मोह, और इसलिए वो भयभीत नहीं होते। आचार्य आदि सागर जी अंगलीकर महाराज का प्रसंग आपने सुना, कुंभोज की पहाड़ी एक जमाने में बहुत ज्यादा वीरान हुआ करती थी। आज तो वहां पर जिनालय भी है और कुछ लोग भी बस गए और बड़ा स्कूल भी चलता है। उस जमाने में वो पहाड़ी पर चढ़ करके जंगल में तपस्या करते थे, अच्छा वो तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, सात सात दिन तक नीचे नहीं उतरते थे। और इस बीच कई बार शेर बाघ भी उनके आसपास आता था, और आश्चर्य तब होता जब वो आकर के चुपचाप बैठा रहता, आक्रमण नहीं करता। वो निर्भय है, देह से मोह नहीं है, इसलिए वो निर्भय है। और शेर या बाघ इसलिए निर्भय है कि वो तो पावरफुल है, लेकिन इसलिए निर्भय है कि कोई उस पर हथियार उठाने वाला नहीं है, कोई से मारने वाला नहीं है। बहुत बार देखा है कि ये सब तपस्वी ऐसे ही बैठे रहते हैं और किसी का हित नहीं करते। जानवर भी समझने लगता है कि कौन इंसान किसका रहेगा। अपने मालिक के साथ जाते वक्त पशु उतना दुखी और परेशान नहीं होता, लेकिन किसी कसाई के हाथ पड़ जाए तो उसे भी मालूम पड़ता है कि अब यानी मुनियों की तरह निर्मोह बना। और उतने मोह निर्मोही नहीं बन सकते तो कम से कम इतने निर्मोही तो बनो कि निर्मोही मुनियों की सेवा करने के लिए समय निकाल पाओ। थोड़ा सा भी मोह छोड़ो, दुकान का मोह छोड़ो, परिवार का मोह छोड़ो। अभी आप सुन रहे थे, दूर दूर से आकर के श्रावण चौका लगाते हैं, प्रदान करते हैं, यहाँ के लोग भी करते, कोई जो ज्यादा भक्ति वाले हैं लगातार करते हैं, और कोई दो तीन चार दिन में ही पंचर हो जाते हैं। समझ में आया ना, पंचर हो जाते हैं मतलब। और ये जो यहाँ होता है ना कि चार दिन लगते हैं, यहाँ पर तीन दिन लगते हैं, एक जगह था कि छह दिन का था, सबको छह दिन का मौका मिलेगा, और हमने ये निश्चय कर लिया कि छह दिन तक तो उसके यहाँ विधि भी मिले तो भी नहीं जाना, क्योंकि छह दिन तो जो है वो सरकारी फरमान है, वो तो आपकी श्रावकों की आपस की व्यवस्था है, उसमें भक्ति कितनी है उससे पता नहीं पड़ता, उससे आगे बढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि अब जो है अब चल रहा है वो। हिम्मत कितनी है मालूम पड़ेगा, अच्छे अच्छे हिम्मत वाले हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन जिनके हृदय में भक्ति होती है वो चले जाते हैं, चलाए जाते हैं, लाभ पाते हैं, सौभाग्यशाली। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत बाधे,
व्यर्थ में अपने आप को जीव भूल रहा है, अनादिकाल से मोह रूपी महामद पी रखा है, मां मदिरा पी रखी है। देह में एकत्व बुद्धि है, स्वरूप में एकत्व बुद्धि नहीं है। गजब की बात है, जो हम हैं उसकी खबर नहीं है, जो हम नहीं हैं उसके पीछे पागल है, दीवान है। इतना प्रपंच इकट्ठा करने के बाद इंसान साथ में क्या क्या लेके जाएगा? ज्ञानी कहते हैं, जिसने संसार को जीतने की कोशिश की, जिसने संसार को जीतने की कोशिश की वो हार गया। जिसने संसार को जीतने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को जीतने की कोशिश की वो भाव पार गया। भाव पार हो जाता है जो खुद को जीत पाता है। संसार को जीतने वाले तो हार ही जाते हैं अंततः। कोई अपनों से हारता है, कोई अपने आप से हारता है। इसलिए उस जीत के रास्ते चलो जहां हारना नहीं पड़ता। जो मोहम तुझे निपता, समय सार की 32 नंबर की गाथा, मोह को जीतने वाली गाथा निकाली बोलिए। जो मोहम तुझे निपता नान सहावादियं मुड़ी आदम तम जिद मोहम साहूं परमर्थ व्याणयाविते। जो वो हम तुझे रखता, सभी एक साथ बोलिए, जो मोहम तो जीतता, जो मोह को जीत कर नान सहावा दियम मुड़दी आदम, नान सहावा दियम ज्ञान स्वभाव से अधिक अपने आत्मा को जानता है, जम जिद मोहम साहो उसको जित मोह साधु कहते हैं, परमर्थ ज्ञानिया ऐसे परमार्थ के जानने वाले जित मोह कहते हैं वो साधु ही मुनि ही मोही निर्मोही है। कौन? जिनने मोह से अधिक जाना है अपने ज्ञान स्वभाव का। बताइए, मोह बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? ज्ञान बड़ा है। कैसे मालूम पड़ा ज्ञान बड़ा? क्योंकि ज्ञान के बल पर मोह को दबाया जा सकता है, मोह को जीता जा सकता है। वो प्रसंग आपने सुनाओ, तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल में एक सम्राट हुए चंद्रप्रदोत, और एक बहुत जबरदस्त संक्रमण का काल था। तीर्थंकर महावीर स्वामी के उपदेश भी चला करते थे और उस समय एक तरह का द्वंद भी चला करता था, लेकिन उनके संपर्क और समोषण में जो आता उसका ही जीवन बदल जाता था। ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा उनसे प्रभावित हुए और उनके जीवन बदल गए। प्रद्योत ने निश्चय कर रखा था कि मैं रानी प्रभावती से विवाह करूंगा। घटना ये बनती है कि प्रभावती से विवाह करने के लिए बहुत जबरदस्त आंदोलन होता है, युद्ध होता है। प्रभापति के पति मारे भी जाते हैं, और जब अब प्रद्योत इस तरह की कोशिश करता है कि हम प्रभावती से विवाह करेंगे, ये मोह है। दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कुछ चीजों और कुछ लोगों पर आप इस तरह से रिझ जाते हैं। उसके पीछे खुद का हाल भी बेहाल कर देते। देख लीजिए आप,
मुंह से दूसरे का कुछ खराब हो ना हो, खुद का तो होता ही है, और मुंह के पीछे दूसरों का भी बहुत बुरा कर देते हैं लोग। तेजाब फिरते कितने सारे किस्से, बोले छोकरी ने शादी करने से मना कर दिया, दूसरी जगह उसके पिता ने उसका रिश्ता कर दिया, तो जिसको मना कर दिया उसने क्या किया। ये अभी दिल्ली में पिछले दिनों को एक किस्सा बना, मोह अंधा होता है, और इसलिए जब दीपक चढ़ाते हैं ना भगवान को, दीपक का छंद बोल करके जब दीपक अर्पण करते हैं तो क्या बोलते हैं अर्घ में, दीपक के मंत्र में क्या बोलते हैं, ओम ह्रीम श्री महावीर जिनेन्द्राय गुहांधकार विनाशनाय। महामोह अंधकार विनाशनाय, मोह खुद भी अंधकार है और मोह अंधा कर देता है। कहते भी है ना, ये तो भाई मोह में अंधे हो गए हैं, अब इन्हें कुछ नहीं सूझ रहा है। युधिष्ठिर के लिए इतिहास क्या कहता है, अपने बेटों के मोह में अंधे हो गए। युधिष्ठिरों ने सही निर्णय नहीं किया, सही न्याय नहीं किया। हमारे बेटों को राज मिलना चाहिए, पूरा राज हमारे बेटों के नाम होना चाहिए, और सबसे बड़े और परिवार में समझदार होने के बाद भी अपने पुत्रों के इस व्यामोह में पड़ गए कि उनने कहा कि हम सौ को ही पूरा मिलना चाहिए और इन पांचों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, है ना भाई। सम्राट तो आप हैं, आप सम्राट हैं तो आपके बेटों में बंटवारा होना चाहिए, पांडवों के बेटों में क्यों बंटवारा होना चाहिए, यहीं से चालू होता। और शुरू में वो कहते भी हैं कि नहीं, राज तो पांडु का है, पांडु ने मुझे दिया है ना। इसी तरह की चर्चा चलती है, उनका भी अधिकार बनता है, लेकिन धीरे 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 ऐसा मोह का आवरण आता है कि राज तो तुम लोगों को ही मिलना चाहिए। और जब पांच गांव भी मांगते हैं तो पांच गांव देने से भी मना कर दिया जाता है। परिणाम क्या होता है, महाभारत किसके हाथ क्या लगता है, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। जब जोरू जमीन और किसी चीज का भी क्यों ना मोह हो, वो वहीं का वहीं रहा आता है, साथ में कुछ नहीं जाता है। इसलिए ज्ञानी इतना निश्चय करो, अपनी भूमिका के अनुसार कर्तव्य तो करो लेकिन क्लेश मत करो। जिसने दुनिया को जीतने की कोशिश की वो हार रहा, कौन नहीं हार रहा बताइए, चाहे कौरव हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, चाहे सिकंदर हो, दुनिया को जीतने की कोशिश की वो सब अंततः हारे, लेकिन जिनने खुद को जीतने की कोशिश की वो जीते। आत्मार्थी अपन खुद निर्मोह स्वभाव वाले चैतन्य तत्व हैं, लेकिन मोह और आत्मा में जो भाव्य भावक संबंध बना हुआ है, आत्मा और मोह में भाव विभावक संबंध बना हुआ है, उस कारण से पदार्थों में और अपने आप में जीव एकत्व करता है, रागादि भावों में और अपने आप में भिन्नता अनुभव नहीं करता। भाव्य कौन है, आत्मा भाव्य है। भावक कौन है, मोह भावक है। कर्म के उदय से परिणत मोह, मोह का निमित्त पाकर के आत्मा वैसा ही भाव करता है, और उस मोह में राग आदि रूप तन्मय होकर के परिणमन करता। जैसा मोह का उदय आता है
आत्मा वैसा वैसा परिणामित होता है। जबकि मोह और आत्मा दो भिन्न चीज है, तो आत्मा में ही मोह। अशुद्ध निश्चय ऐसे कहें, उपचरित सद्भूत व्यवहार में ऐसे कहें, तो आत्मा और मोह एक है। लेकिन निश्चय ऐसे विचार करें तो मोह और आत्मा दो अलग अलग चीज है। आत्मा ज्ञान घन स्वभाव वाला है, मोह आत्मा का एक विभाव परिणाम है, स्वभाव नहीं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हट पूर्वक मोह को छोड़ो, समझाने पर भी समझ नहीं आता है। कोई किसी तरह के मोह में पड़ जाता है तो समझाने पर नहीं समझता। अगर किसी को इसकी आदत पड़ गई है, इसकी पीने की ड्रिंकिंग, उसे भी संभालना मुश्किल होता है, उसे भी समझाना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि गुर्दे खराब हो जाएं, आंतें खराब हो जाएं, डॉक्टर भी मना करे तो भी वो अपने आप को नहीं संभाल पाता। बताइए, जड़ शराब, जड़ दारू, इसका ऐसा जीव को आदत और मोह लगा हुआ है कि मरना सन्न हो जाए तो भी देवदास बन जाता है। देवदास मतलब किसी भी पदार्थ का मोह, किसी तरह की खोटी आदत, किसी तरह का नशा जितना नुकसानदायक है उससे भी ज्यादा नुकसानदायक है परिणामों का मोह, भाव का मोह। हिम्मत करके, कोशिश करके कभी जो है शराब का नशा तो एक बार छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन मोह की मदिरा का नशा नहीं छोड़ता। पदार्थों में एकत्व बना रहता है, सज्जनों देह और जीव को एक नहीं गिनना, जीव और देह की भिन्नता को अनुभव करना जैसे मुनि करते हैं। जे जायन्ति सदभ्रम परदब्ब परम महाहु सुचरित्ता ते जिन वराण मग्गे अनुलग्गा लहरि निर्माण। जो ज्ञानी पुरुष सात रब का ध्यान करते हैं, अपने चैतन्य का विचार करते हैं और चैतन्य चिन्मय के मार्ग पर चलने वाले देवशास्त्र गुरु मुनिराजों की आराधना करते हैं, वे परद्रव्य से परामुख सुचरित्र हैं। वो जिनमें भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं और वो निर्वाण को पाते हैं। जिनेन्द्र भगवान मुनिराज हमारी आइडेंटिटी है, उनसे हमारा परिचय होता है। आप किन के अनुयायी हैं, इसका आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सुन रहे थे आप, अनुसरण करना है तो दुनिया का नहीं, देवशास्त्र गुरु का करो। युवा पीढ़ी को भी धर्म से जोड़ो, उन्हें भी मालूम होने दो कि केवल मोह राग द्वेष के प्रपंच से सुख होने वाला नहीं, पर पदार्थों से भिन्न अपनी चेतना की भी चिंता करो। 33 नंबर की गाथा भी इसी तरह से निर्मोह होने का संदेश देती है। आप सोच रहे होंगे कि हम तो सारे मोही हैं, मोहियों को निर्मोह होने का संदेश देने से फायदा क्या होगा? भाई बहुत फायदा होता है। अगर बेटा पिता की आज्ञा में चलता रहता है तो वो भी बहुत बड़ा उद्योगपति बन जाता है, और शिष्य गुरु की आज्ञा में चलता रहता है तो एक दिन वो भी दुनिया में चमक जाता है। बहुत सुंदर सी कहानी अभी आप सुन रहे थे। हार पड़े लिखे होशियार बेटे को पिता ने कहा कि जाओ 2 महीने तुम अपने दम पर कुछ करके आओ, परख लेना चाहते हैं कि तुम में कितनी पावर।
और दो महीने की मेहनत के बाद जब आता है तो किसानों से अपना वारिस बना देते हैं, सारी चीजें सौंप देते हैं। और जब पिता से पूछा उसके मित्रों ने कि आपको देना ही था तो इसको दो महीने तक क्यों परेशान होने के लिए छोड़ दिया, तो पिता ने कहा इससे ही पूछो कि दो महीनों में क्या लाभ हुआ। उसने कहा कि जो किसी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ा वो इन दो महीनों में पढ़ दिया। इन लोगों से कैसे व्यवहार करना, किस ढंग से काम करना, समय की क्या कीमत होती है, वो पैसे की क्या कीमत होती है। और सबसे बड़ी शिक्षा ये मिली कि जो कहा था कि परिचय नहीं देना किसी का भी में किसके परिवार का, और उससे ये मालूम पड़ा कि हमारे ऊपर कौन है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। जब तक इनके बिना नाम के किया काम तब तक मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं हुई, और जहाँ पिता का या फर्म का नाम जुड़ता है तो वहीं लाखों रुपए की कमाई होती है। आप किस गुरु परंपरा से, आप किस परिवार से, ये बहुत महत्व रखता है। इसलिए कैसे भी मोह के हालात बने, कैसे भी विकार के माहौल बने, लेकिन अपनी परंपरागत आचरण और संयम को नहीं छोड़ना चाहिए। कौन है छीन मोही, बहुत बड़ी बात है। 33 नंबर की गाथा है, जिद मोहस्त दुजैया छीनो मोह हविज साहुसा, कैया कीण मोह बन दी सो। बोलो एक साथ, भाव के भावक पने का अभाव हो गया तो ये दशा बनती है। जिद मोहस्य दु जैया, जिद मोहस्य दु जैया, जब जिद मोह माने मोह को जिसने जीत लिया है, यानी पूरी तरह से मोह को इस काल में जीतना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन जिसने जितना जीला अनंतानुबंधी संबंधी जीत लो, अप्रत्यक्षान संबंधी जीत लो, प्रत्यक्षान संबंधी जीत लो, कुछ तो विकारों को विवाहों को जीतो, ऐसे पागल तो मत हो जाओ कि ही बताना पड़े कि क्या सही और क्या गलत। जिद मोहस्य दु जैया खीणो मोह हविज साहुसा, तैयाओ खीण मोह भण दी सो निच्छया विदु। निश्चय विदु, निश्चय विदु कौन कहलाते हैं, निश्चय को जानने वाले, नयों को पूरी तरह से जानने वाले, निश्चय की आराधना करने वाले, निश्चय का व्याख्यान करने वाले, जो निश्चय विदु हैं, पर द्रव्य से भिन्न स्वद्रव्य का व्याख्यान करने वाले जो महामुनिराज हैं, वे कहते हैं कि जिसने मोह को जीत लिया है वो ही छीन मोही है। जब मोह को पूरी तरह से जीता जाता है तो ही जीव छीण मोही कहलाता है। कौन से गुण स्थान में होगा, बारहवें गुण स्थान। लेकिन शुरुआत तो करो, चौथे गुण स्थान वालों भी शुरुआत तो करो। मिथ्या तो कहाँ टूटता है, मिथ्या तो कौन से गुण स्थान का नाम है जी, हाँ बादशाह गुण स्थान, पहला गुण स्थान जिसमें अनंत अनंत जीव राशि पड़ी है। हम भी बहुत समय तक पहले ही गुण स्थान में ही तो रहे सभी, और आज भी जिस जिसने मोह को तोड़ा है वो सम्य दृष्टि हुआ है, नहीं तो आज भी कौन सा गुण स्थान है, पहला गुण स्थान है। कितने होते हैं गुण स्थान, 14। आपका कौन सा गुण स्थान है, 15वां। अरे 14 ही होते हैं, 14 के पार हो गए, सिद्ध हो गए।
है सारा परिणामों का खेल। यहाँ कह रहे हैं कि जब यह मुनिराज मोह को पूरी तरह से जीत लेते हैं और पूरी तरह से निर्मोही होते हैं, इतने साम्य, इतने सौम्य, इतने शांत, इतने समता भावी होते हैं कि उन्हें किसी चीज में कोई राग द्वेष नहीं होता, पूर्ण आत्म शुद्धि वाले वो मुनिराज क्या कहलाते हैं? क्षीण भोगी कहलाते हैं। आपने देखा होगा कि परिवार में किसी की गमी हो जाती है, किसी की कमी हो जाती है, कोई मर जाता है तो उसमें लोग कितना रोते पीटते हैं, लेकिन सबके रोने का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग दिल्ली में तो शायद कोई नहीं रोता, रोते हैं। निर्मोहता नहीं है, आप नहीं रोए हैं किसी के जाने पर, ये निर्मोहता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप से जब बात नहीं बनती है, रिश्तेदार पसंद नहीं आते हैं, तो उनके मरने के बाद भी कोई दुख नहीं होता है। इसका मतलब कोई ये ना समझ ले कि निर्मोह हो गए हैं, अभी तो बात ये है कि कोई निर्मोही नहीं हुए हैं, मोह तो इनका पड़ा ही हुआ है दूसरों से, बस जिनसे पटरी नहीं खाती है उनके साथ कुछ भी हो गया, मरण भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता, और उल्टा बोलते हैं चलो अच्छा हुआ फ्लैट खाली हुआ। ये दुष्टता है, निर्मोहता नहीं। अकेला मोह थोड़ी छोड़ना है, मोह के साथ साथ राग भी, द्वेष भी, लोकसाएं भी, क्रोध मान माया लोभ भी, ये सारे दुर्विकार जाते हैं तब जाकर के वो निर्मोही कहलाते हैं। झूठ झूठ के निर्मोही नहीं बनना। लोग अक्सर कर ऐसे निर्मोही बन जाते हैं कि मुनि संघ आ रहे हैं, कि मुनि संघ विराजमान हैं, तो कहो मुनि संघ से ही दूरी दूर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, भाई हम तो आत्मज्ञानी हैं, सब तो ज्ञानी हैं, हमको क्या लेना मुनि महाराज से। मुनि महाराज की पर्याय भिन्न है, हमारी पर्याय भिन्न है, मुनिराज का द्रव्य भिन्न है, हमारा द्रव्य भिन्न है, जिनको करना होगी सेवा वो करें, हम तो अपने में मगन है, स्वाध्याय में मगन। बताइए ज्ञानी है कि उद्दंड है? ज्ञानी हो और देव साध गुरु के प्रति वात्सल्य और समर्पण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस मार्ग से वो चल रहा है उस मार्ग पर चलने वालों के प्रति बहुमान ना आए ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा होता है तो समझ लो कि दाग में कुछ ना कुछ। झूठी तत्व चर्चा ना, झूठी निर्मोहता ना, अभी तुम मार्ग को समझ कर देखो। बातें तो बहुत हो जाती हैं, जयपुर में जाना हुआ स्मारक पर, सभी विद्वान इकट्ठे हुए थे, प्रवचन भी हुआ, फिर हमने कहा भारत को देश व्रत लेना चाहिए, देश वृत्ति वाला जीवन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा भावना तो मेरी वो है, लेकिन एक छोटी सी गोली लेना पड़ता है। समय भी नहीं था, माहौल भी नहीं था, इसलिए कुछ नहीं कहा, नहीं तो ये पूछा जाता है इस निमित्त के पीछे क्यों पड़े हो, गोली के निमित्त को छोड़ो, इससे क्या हो रहा है। दूसरी बात है सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में चल का है, वही होना है, गोली से क्या होना। लेकिन ज्ञानी
सब जानते हैं व्यवहार व्यवहार के ढंग से चलता है, और निश्चय निश्चय के ढंग से चलता है। निमित्त उपादान और निश्चय व्यवहार की व्यवस्थाओं को हमें भली भांति समझना होगा और योग्य कर्तव्य करते हुए मोक्ष मार्ग में बढ़ना होगा। जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं उनके सानिध्य में रहना होगा। क्या नहीं हो इतना जरूर करें, 24 घंटे में आधा घंटा थोड़ा सा निर्मोही होने की कोशिश करें। कैसे? कम से कम श्री जी के सानिध्य में बैठो, गुरु जी के सानिध्य में बैठो, स्वाध्याय में बैठो। इतनी सी ये निर्मोहता हो सकता है आपके मोह को मिटाने में, समय दशक कटाने में निमित्त बने, सभी मोक्ष मार्गी बने, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य वंशनी सागर जी गुरुदेव की। एक सूचना, कल धर्म सभा का शुभारंभ 15 मिनट पहले यानी 8:15 से प्रारंभ होगा, उसमें एक विशेष कार्यक्रम हमारी समाज की महिलाओं बच्चों द्वारा रखा गया है, उसका विषय है शास्त्रों की होली। जैन ग्रंथों का, जैन आगम का, जैन साहित्य का अनुमतियों के द्वारा अनुमति